रिपब्लिक न्यूज चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने निषेध किया है। बुधवार की सुबह अर्नब गोस्वामी को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अर्नब को एक खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष भाजपा ने ठाकरे सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ठाकरे सरकार की तुलना इंदिरा गांधी सरकार से की है। पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र में चल रहे मामलों से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं आनी बानी तो नहीं लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के दबाव में ये काम हो रहा है। चंद्रकांत पाटिल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में किसान की समस्या, कोरोना, महिला अत्याचार जैसे मामले होने के बावजूद सरकार दूसरे मामलों को बढ़ावा दे रही है। अर्णव गोस्वामी जी की गिरफ्तारी आज जिस प्रकार से हुई है, घर में घुसकर उनको एक दूसरे से कोई बड़ा क्रिमिनल होता है उसको जिस प्रकार से खींच कर लेकर जाना होता है, ये घटना जो है इसका हम निषेध करते हैं। अर्णव गोस्वामी जी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अलग अलग गंभीर इश्यूज उठाते हैं, तो इसको कोई कर नहीं सकते। तो 3 साल पहले जो केस, जो फाइल बंद हुई थी, उसको एक बार फिर से ओपन किया गया है। और जिस प्रकार से गत कुछ दिनों में पत्रकारों का और सामान्य व्यक्ति का आवाज़ दबाने का प्रयत्न चल रहा है, यह इमरजेंसी की याद दिलाता है। इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी जी ने इस प्रकार से किया, लोगों का आवाज़ दबाया, आखिर में इंदिरा गांधी जी को चुनाव में परास्त होना पड़ा। तो हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं और अर्णव जी की रिहाई होने तक हम निषेध के रूप में एक काली टोपी या काला गमछा या जिससे निषेध व्यक्त होगा, ऐसी सारे चीज़ें महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़, नागपुर।